हालेलुया। हम अपने आप को परमेश्वर के वचन को सुनने के लिए हम तैयार करें, क्योंकि हम पहले आज परमेश्वर के वचन की ओर हम जाएंगे, हम बढ़ेंगे और उसके बाद बाकी के सेवकाई को हम बाद में करेंगे। आइए एक वचन हम निकालें, मत्तयी सुसमाचार उसका 6 अध्याय और उसका 33वां वचन को आप पढ़ दीजिएगा। मैथ्यू चैप्टर 6:37-33 निकाल कर पढ़िए, इसमें क्या लिखा है। ऊंची आवाजों के साथ पढ़ दीजिए, अगर कोई माइक्रोफोन में पढ़े तो वो ज्यादा अच्छा होगा। मत्तयी सुसमाचार उसका 6 अध्याय और उसका 33वां वचन। इसलिए पहले तुम परमेश्वर के राज्य और उसके धर्म की खोज करो तो ये सब वस्तुएं भी तुम्हें मिल जाएगी। हालेलुया। यहां कुछ वस्तुएं हैं लिखा गया, ये सब वस्तुएं भी तुम्हें क्या हो जाएगी, मिल जाएगी। प्रभु इस वचन के द्वारा हम सबों को आशीषित करें। आइए अपने आंखों को बंद करें, हम छोटा सा एक दुआ करें, उसके बाद हम परमेश्वर के वचन में आगे बढ़े। पिता आपको धन्यवाद करते हैं, आपकी महिमा करते हैं, आपकी प्रशंसा करते हैं प्रभु। इस वचन के द्वारा आज आपके उस गहराई को जानने और समझने के लिए आप सहायता कीजिए प्रभु जी। मुझे अपने लहू के आड़ में छुपा लीजिए। हालेलुया। आपके उस अभिषेक से, उस सामर्थ्य से भर दीजिए। मेरे मुख के द्वारा आप बातें कीजिए परमेश्वर आज, और ये वचन हमारे जीवन को एक ऊंचाई में ले जाए, ऐसा मैं प्रार्थना करता हूं प्रभु। आपने प्रार्थना सुना, धन्यवाद। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमेन। हालेलुया। देखिए मत्तयी सुसमाचार उसका 6 अध्याय और जब 33वां वचन हम पढ़े हैं। कई बार इस वचन को हम पढ़े हैं, कई बार इस संदेश को, या फिर कई बार इस वचन के ऊपर आप संदेश को सुने होंगे, लेकिन दुआ में बैठे, प्रार्थना में बैठे कि प्रभु आज इस वचन के द्वारा हमारे जिंदगी में कुछ नई बातों को आप बता दीजिएगा। यहां लिखा गया है कि इसलिए पहले तुम परमेश्वर के राज्य और उसके धर्म की खोज करो तो ये सब वस्तुएं भी तुम्हें क्या हो जाएगी, मिल जाएगी। मालूम है कुछ वस्तुएं हैं इस संसार में जो इंसान उस वस्तुओं को पाने के लिए पागल है, इंसान उस वस्तुओं को पाने के लिए दौड़ा चला जा रहा है, इंसान उस वस्तुओं के पीछे भाग रहा है, मेहनत कर रहा है, जॉब में जा रहा है, बिजनेस कर रहा है, लाखों करोड़ों रुपयों को इन्वेस्ट कर रहा है, यहां जा रहा है, उससे पूछ रहे हैं। और कुछ लोग तो ऐसे हैं कि इन सब चीजों को पाने के लिए बाबाओं के पास चला जाता है, अपने हाथों को दिखाता है, तोताओं के द्वारा पर्चियों को निकाल के पढ़वाता है, अंगूठियों को पहनता है, कुछ जड़ी और बूटियों को अपने शरीर के साथ सटाकर रात को सोता है, और बहुत लोग इसका फायदा उठाता है। लोग कहता है कि मेरा ये चीज इस्तेमाल कर लो तो तुम्हें ये सब वस्तुएं मिल जाएगी। कुछ कहता है मेरी बातों को मानो तो ये वस्तुएं तुम्हें मिल जाएगी। कुछ कहता है मेरे चीज को ले लो तो तुम्हें ये वस्तुएं मिल जाएगी। मैं बोलना यह चाहता हूं कि आज इस दुनिया में कई लोग हैं और हर प्रकार से, हर एक जरिए से हम मनुष्य को ये बताने का कोशिश कर रहा है कि मेरे पास इस चीज का उपाय है, अगर तुम इस चीज को ले लोगे तो तुम्हें ये सब वस्तुएं क्या हो जाएगी, मिल जाएगी। कौन सी वस्तुओं के बारे में बात कर रहा है मालूम है परमेश्वर? लेकिन परमेश्वर कह रहा है इन सब वस्तुओं को मैं रखा हूं तेरे लिए देने के लिए। ये मत समझो कि परमेश्वर केवल हमसे प्रार्थना करवाना चाहता है। आप ये मत समझो कि परमेश्वर केवल हमें उपवास करवाना चाहता है। आप ये मत समझो कि परमेश्वर केवल आपसे दशमांश देने के लिए आज्ञा को देता है। आप ये मत समझो कि परमेश्वर केवल आपसे कहता है कि मेरा बेटा, मेरा बेटी रविवार के दिन मेरी उपस्थिति में आ। आप ये मत समझो अपने परमेश्वर को कि परमेश्वर केवल और केवल और केवल आत्मिक चीजों को हमारे जीवन के द्वारा या फिर हमारे जीवन में देना और करना चाहता है। नहीं, वो परमेश्वर कुछ ऐसी वस्तुओं को भी देना चाहता है जो शायद हमने इसके बारे में कभी सोचा नहीं होगा। और कभी कभी हम उन वस्तुओं के लिए परमेश्वर को छोड़कर किसी और चीजों में आश्रित हो जाते हैं। लेकिन परमेश्वर कहता है उन सारी चीजों का, जो वस्तुएं हैं, जो तुम्हारे जिंदगी की आवश्यकताएं हैं, जो तुम्हारे जिंदगी की जरूरतें हैं, वो सब चीज मेरे पास तुम्हारे लिए उपलब्ध है। इसलिए प्रभु के वचन में लिखा गया ये सब चीजें भी तुम्हें क्या हो जाएगी, बोलिए मिल जाएगी।
इंग्लिश में अच्छा लिखा गया है, मिल जाएगी लिखा हुआ नहीं है, इंग्लिश में ऐसा लिखा गया है कि वो तुम्हारे पीछे जोड़ता हुआ चला जाएगा। एडेड एंड टू यू, एड मतलब जोड़ा जाना। और जैसे जैसे परमेश्वर का वचन कहता है कि वो तुम्हारे पीछे जोड़ा जाएगा, आज तुम्हारे पास धन की कमी है, उस धन की कमी को परमेश्वर जोड़ेगा। आज तुम्हारे पास घर की कमी है, उस घर की कमी को परमेश्वर तुम्हारे पीछे जोड़ेगा। आज तुम्हारे जिंदगी में शांति की कमी है, उस शांति की कमी को परमेश्वर जोड़ेगा। आज तुम्हारे परिवार में रोना गाना है, उस रोने गाने को हटाकर आनंद से भरने वाली बातों को परमेश्वर आपकी जिंदगी में जुड़ेगा। हालेलुया। हिंदी कहता है मिल जाएगी, लेकिन इंग्लिश कहता है नो। परमेश्वर जो है आपके जिंदगी में सारे चीजों को जोड़ता और जोड़ता और जोड़ता हुआ चला जाएगा। क्या चीजें हैं? वो कौन सी वस्तु है जिसके बारे परमेश्वर बात कर रहा है? वो कौन सी चीजें हैं जिसके बारे परमेश्वर सिखाना चाह रहा है? उसके लिए आपको छठा अध्याय का थोड़ा पहले से आपको पढ़ना पड़ेगा, तब आपको पता चलेगा कि किस वस्तुओं के बारे में परमेश्वर बातें कर रहा है। लिखा लिएगा उसी का छठा अध्याय और उसका 25 वचन पढ़ दीजिएगा, सुनिएगा बड़े ध्यान से। छठा अध्याय और उसका 25 वचन क्या कहता है, बड़े ऊंचे आवाज के साथ और सब बड़े ध्यान से सुने कि प्रभु का वचन क्या कहता है। सुनिए, ये जो वचन है ना, ये वचन कोई चेला प्रचार नहीं कर रहा है, ये वचन कोई शास्त्री कोई फरीसी प्रचार नहीं कर रहा है, ये वचन कोई पतरस यूहन्ना याकूब प्रचार नहीं कर रहा है, बल्कि खुद यीशु मसीह प्रचार कर रहा है। और वो प्रचार में बोल रहा है, क्या बोल रहा है, इसलिए मैं तुमसे कहता हूं कि, ये प्रभु की आवाज है सुनिएगा, इसलिए प्रभु हमसे ये कहता है कि अपने प्राण के लिए या चिंता ना करना। इस चीज को मैं पूछूंगा आपसे, किसके बारे परमेश्वर बात कर रहा है? अपने प्राण के लिए चिंता मत करना कि हम क्या खाएंगे और क्या पिएंगे, और ना अपने शरीर के लिए क्या पहनेंगे, क्या प्राण भोजन से शरीर वस्त्र से बढ़ के नहीं है। बस ध्यान से सुनिएगा, प्रभु एक बात कह रहा है, इसलिए मैं तुमसे कहता हूं कि अपने प्राण के लिए ये चिंता ना करना कि तुम क्या खाओगे, तुम क्या पियोगे और तुम क्या पहनोगे। दो नाम यहां पे आया है, दो चीजों का नाम आया है, तीसरा चीज का नाम यहां नहीं आया है। आपको मालूम है परमेश्वर ने जब इंसानों को बनाया, परमेश्वर ने इंसानों को शरीर आत्मा और प्राण के रूप में बनाया। एक इंसान के अंदर शरीर है, एक इंसान के जीवन में प्राण है और इंसान में आत्मा है। शरीर आत्मा प्राण मिलकर ही एक इंसान होता है। और हमको प्राण के बारे में भी सोचना चाहिए, हमको शरीर के बारे में भी सोचना चाहिए और इसके साथ साथ हमको आत्मा के बारे में भी सोचना चाहिए। लेकिन यहां पर कुछ लोग हैं जो प्राण के बारे में सोच रहा है, शरीर के बारे में सोच रहा है, परंतु आत्मा के बारे नहीं सोच रहा है। यहां परमेश्वर यीशु कह रहा है, सुनो तुम अपने प्राण के बारे में चिंता मत करो कि तुम क्या खाओगे और तुम क्या पियोगे। और नीचे लिखा गया है, अपने शरीर के बारे में चिंता मत करो कि तुम क्या पहनोगे। मैं बता रहा हूं, प्रभु कहता है ये वस्तुएं ना हमको हमारे परमेश्वर से अलग कर देती है। कौन से वस्तुएं? खाना पीना कपड़ा, ये हमारे भौतिक जिंदगी की आवश्यकताएं हैं, दिनचर्या का हमारे जीवन की आवश्यकताएं हैं। इंसानों को क्या बोलते हैं, रोटी चाहिए, पानी चाहिए, कपड़े चाहिए। लेकिन प्रभु कहता है ना तो कपड़ों के लिए, ना तो रोटी के लिए, ना तो पानी के लिए चिंता करना। क्यों प्रभु आप ऐसा कह रहे हो? प्रभु कहना चाह रहा है कि जिसकी चिंता मैं कर रखा है तेरे लिए, तू उसकी चिंता क्यों करता है? मेरे बातों को समझिएगा, प्रभु क्यों हमें मना करता है कि रोटी के लिए, पानी के लिए, अपने कपड़े के लिए चिंता ना करना? क्योंकि प्रभु कहता है बेटा तू खामोखा चिंता करता है, खामोखा तू टेंशन से भर जाता है, खामोखा अपना टेंशन बढ़ाने के चक्कर में तेरा जो बीपी है वो क्या हो जाता है, हाई हो जाता है। जो चीज मैंने तेरे लिए रखा है तू उसके बारे में चिंता ना कर।
लेकिन जो चीज के लिए तुझे चिंता करने की आवश्यकता है उसके बारे में चिंता कर। आज इंसान ऐसा हो गया है कि जो परमेश्वर ने हमसे कहा है हम वो नहीं कर रहे हैं, जो परमेश्वर ने हमसे नहीं कहा है हम वो कर रहे हैं। इसलिए जहां से पाने की जरूरतें हैं वहां से नहीं पा रहे हैं, और जहां से नहीं पाना चाहिए वहां से पाने की आशीषों को ताक कर हम बैठे हुए हैं कि शायद यहां से मेरे जिंदगी में आशीषों को परमेश्वर देगा। लेकिन प्रभु कह रहा है चिंता मत कर। किन तीन विषय के बारे प्रभु बात कर रहा है मेरे साथ साथ बोलिएगा। नंबर वन खाना, नंबर टू पानी, नंबर थ्री पहनना। आप सोचोगे ये खाना पीना पहनना क्या है, लेकिन मैं आपको बताऊं ये खाना यही पीना यही पहनना और कईयों को नरक की ओर ले जा रहा है, कईयों को प्रभु से पीछे कर दिया है, कईयों को यीशु को यीशु कहने से इनकार कर दिया, कई लोग अपना घर छोड़ दिया, कई लोग कलीसिया छोड़ दिए, कई लोग दुआ छोड़ दिया, कई लोग उपवास करना छोड़ दिया, कई लोग यीशु मसीह को अपना परमेश्वर कहना छोड़ दिया, केवल इस खाना और पीना और पहनने के इरादे में। कैसे मैं आपको आगे बताऊंगा, लेकिन विशेष बात में एक बात बताना चाहता हूं मेरे प्रियो, ध्यान से सुनिएगा। हमारे जिंदगी में शरीर और आत्मा और प्राण है। प्रभु ने कभी नहीं कहा अपने प्राण के बारे में मत सोचो, अपने शरीर के बारे में मत सोचो और अपने आत्मा के बारे में मत सोचो, लेकिन हमको इन तीनों के बारे में क्या करना है, सोचना है। जैसा हम हर दिन अपने शरीर को नहलाते हैं वैसे हमारे आत्मिक जिंदगी के बारे में भी सोचना चाहिए। जैसे हमारे प्राण के लिए अच्छी अच्छी चीजों को हम खाते हैं ताकि मेरा प्राण अच्छा रहे, वैसे हमारे आत्मिक जीवन के बारे में भी सोचना चाहिए कि इसको क्या खिलाऊं ताकि ये बहुत क्या हो जाए, मजबूत हो जाए। लेकिन आज अफसोस है मसीह जिंदगी में मसीही लोग केवल खाने और केवल पीने और केवल अपने कपड़ा लता के पीछे में क्या कर रहे हैं, भागे जा रहे हैं। एक और वचन उसमें से आप आगे पढ़ दीजिए, आपको समझ में आएगा। 31वां वचन और 32वां वचन पढ़ दीजिएगा, 31 और 32। इसलिए तुम चिंता करके यह ना कहना कि हम क्या खाएंगे या क्या पिएंगे या क्या पहनेंगे। यह बहुत बड़ा गहरा बात छुपा हुआ है अगर आप इसको वैसा पवित्र आत्मा के अगुवाई में पढ़े हैं तो। सुनिए ध्यान से, प्रभु का वचन कहता है अगर तू विश्वासी है तेरे मुंह में जीवन होना चाहिए, तेरे जीव में जीवन होना चाहिए। लेकिन प्रभु क्या कह रहा है मालूम है, इसलिए तुम चिंता करके क्या करना या ना कहना। जब आप चिंता करते हैं आपके मुंह पे वो आ जाता है और आपका मुंह दूसरों के सामने बोलता है पता नहीं कल क्या होगा, पता नहीं कल खाना मिलेगा या नहीं मिलेगा, पता नहीं कल कपड़े मिलेंगे या नहीं मिलेंगे, पता नहीं मुझे अच्छा घर मिलेगा कि नहीं, पता नहीं मुझे अच्छा जॉब मिलेगा कि नहीं, पता नहीं मैं सही जा रहा हूं कि नहीं, पता नहीं मेरे परिवार में शांति आएगी या नहीं। क्योंकि जब आप चिंता करते हो तब आपके मुंह पर नेगेटिव बात ऑटोमेटिकली आता है। हालेलुया। इसलिए प्रभु कहता है चिंता मत कर तो तेरे मुंह में क्या आएगा, केवल पॉजिटिव आएगा। लेकिन जब हम चिंता करते हैं और चिंता करने वाले लोगों को ढूंढते हैं कि मैं किसको बताऊं कि मेरी जिंदगी में समस्याएं हैं, बाइबल में परमेश्वर एक बात सिखाता है जिंदगी की कुछ भी आवश्यकताएं क्यों ना हो कभी भी इंसानों के सामने आप मत बताना, आप अपने परमेश्वर के सामने बताना। बहुत लोग हैं वो इंसानों के सामने बताता है, मेरे बातों को समझिएगा, बहुत लोग हैं वो इंसानों को बताने के लिए कोशिश करता है कि मेरे घर में ये नहीं है, मेरे घर में वो नहीं है, मेरे घर में ये नहीं है। लेकिन प्रभु कहता है इंसानों के साथ नहीं बल्कि किसके साथ, मेरे साथ तुम बताओ। हालेलुया। और प्रभु क्या कहता है, इसलिए तुम चिंता करके यह ना कहना कि क्या खाएंगे क्या पिएंगे क्या पहनेंगे। पता है प्रभु क्यों मना करता है हम लोगों को कि खाने और पीने और पहनने के बारे में चिंता मत करो। नीचे के वचन आप पढ़ोगे आपको बहुत अच्छा लगेगा, पढ़िए 32वां वचन। क्योंकि अन्य जातियां इन सब वस्तुओं की खोज में रहते हैं। अब ये वचन मैं जब पढ़ रहा था मुझे बहुत आशीषित किया, मेरा विश्वास है प्रभु आपको भी आशीषित करे। क्योंकि आगे क्या लिखा जो पढ़ रहे थे, तुम्हारा स्वर्गीय पिता जानता है कि तुम्हें इन सब वस्तुओं की, सब बोले हालेलुया, तेरा स्वर्गीय पिता को पता है तू
तुझे कपड़ों की आवश्यकता है, तेरे स्वर्ग के पिता को पता है तुझे पानी की आवश्यकता है, तेरे स्वर्ग के पिता को पता है तुझे एक अच्छी जॉब की जरूरत है, तेरा स्वर्ग के पिता को पता है तेरा उम्र हो चुका है विवाह की आवश्यकता है, तेरे स्वर्ग के पिता को पता है तेरे लिए घर चाहिए, तेरा स्वर्ग के पिता को पता है तेरी जिंदगी में क्या चीजों की आवश्यकता है। और ये वचन के द्वारा मैं प्रभु का धन्यवाद करता हूँ, मेरे स्वर्ग के पिता को पता है कि पास्टर संजय को क्या क्या चीज चाहिए। हालेलुया। अगर मेरे स्वर्ग के पिता को पता है तो उस पता होने वाली बातों के लिए मैं क्यों चिंतित में बैठूं और क्यों अपना चेहरा सुखाऊं और क्यों अपने मुंह से कहूं कि पता नहीं होगा या नहीं। प्रभु कहता है जिसके बारे में मैं सोच रखा है उसके बारे में तुम चिंता मत करना, तुम कुछ और विषय के बारे में बातें करना, तुम कुछ और चीजों के बारे में बातें करना। देखिए मेरा और आपका परमेश्वर कैसा है, ध्यान से सुनेगा। आप वचन को जब सुनते हैं उसको अपने दिल में दिल के साथ लिंक कीजिएगा, नहीं तो वचन आपको आशीषित नहीं कर पाएगा। जब प्रभु यीशु मसीह ने अपने मन में सोचा, यीशु मसीह ने, पिता परमेश्वर ने, पवित्र आत्मा ने सोचा कि हमें इंसानों को बनाने की आवश्यकता है, तब परमेश्वर पिता और पवित्र आत्मा जब इंसानों को बनाना चाह रहा था तो वे लोग आपस में बात किए होंगे। बाइबल में ऐसा नहीं लिखा गया, मैं बता रहा हूँ, बाइबल में ऐसा नहीं लिखा गया, लेकिन वे आपस में बात किए होंगे और उन लोगों ने आपस में बात करके ऐसा बोला होगा कि हम इंसानों को छठे दिन में बनाएंगे। पवित्र आत्मा, यीशु मसीह और परमेश्वर ने बात किया कि हम मनुष्य को छठे दिन में बनाएंगे। क्यों छठे दिन में बनाएंगे? क्योंकि जिस मनुष्य को हम लोग बनाएंगे उस मनुष्य की आवश्यकताओं के लिए जो जो चीजों की आवश्यकता होती है, चाहे वो पानी हो, चाहे वो फल हो, चाहे वो अनाज हो, चाहे वो कुछ भी हो, वो सब चीजों को मुझे मनुष्य के लिए पहले क्या करना पड़ेगा? बनाना पड़ेगा। तब परमेश्वर, लिखा गया है कि पानी के ऊपर जो आत्मा मंडला रहा था, परमेश्वर ने कहा कि उजाला हो, उजाला हो गया। परमेश्वर ने जीव जंतु पेड़ पौधे फलों को परमेश्वर ने बनाया, प्रभु ने वो पानी को अलग किया, प्रभु ने सब कुछ पूरा सृष्टि करने के बाद, मतलब मानो ऐसा कि परमेश्वर ने पूरा घर, पूरे क्या बोलते हैं, डेकोरेशन करने के बाद, सारे इंतजाम करने के बाद, सारे चीजों को उपलब्ध करने के बाद, तब परमेश्वर ने एक बात कहा आपस में, आओ अब हम मनुष्य की सृष्टि करें। हालेलुया। तब परमेश्वर ने आदम को बनाया और उसके मुंह में फूंका और आदम जिंदा प्राणी हो गया। और आदम उठते साथ बोला होगा, प्रभु बताइए मुझे कौन सा जॉब करना है कि पैसे कमाओ और इस पेड़ का फल मैं खाऊं, मुझे क्या करने की आवश्यकता है? परमेश्वर ने कहा, बेटा तुझे कुछ करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि तेरे आवश्यकताओं के लिए मैं सारा 5 दिन मिलकर तेरे जरूरतों के लिए सब कुछ मैंने बनाया है। हालेलुया। आदम हाथ उठाया होगा, थैंक यू लॉर्ड, अब इतना महान परमेश्वर है कि मुझ जैसे इंसान के आवश्यकताओं के लिए आपने सब कुछ 5 दिन तक पूरा किया। ये वचन हमें क्या सिखाता है? क्या केवल परमेश्वर आदम के लिए ही बनाया था? मुझे एक बात बताइए, जब आज आपको आपेल खाने का इच्छा होता है, क्या आप परमेश्वर आपके लिए आपेल को सृष्टि करेगा? अगर आज आपको आपेल खाने का इच्छा होता है तो क्या परमेश्वर आज आपके लिए आदम जैसा सृष्टि किया था, आपके लिए आपेल सृष्टि करेगा? नहीं करेगा, क्योंकि प्रभु ने आपेल को पहले सृष्टि कर दिया था, उसी बीज से आज आपेल सृष्टि हो रहा है। हालेलुया। ध्यान से सुनिएगा, प्रभु ने आदम हवा को बनाने से पहले सारे उन चीजों को बनाया जो आदम हवा के लिए आवश्यकता था। हालेलुया। इसका मतलब मेरा प्रभु कहता है, तू क्या खाएगा आदम मैंने बनाया है, तू क्या पिएगा वो मैंने बनाया है, तू क्या पहनेगा वो मैं डिसाइड करूंगा, तू कहाँ रहेगा मैंने बनाया है, तू कैसा रहेगा मैंने बनाया है, बस तुझे आदम के बगीचे में रहना है। हालेलुया। ये परमेश्वर चाहता है। परमेश्वर हमसे ये कहना चाहता है कि चिंता मत करो कि क्या खाओगे, क्या पियोगे और क्या पहनोगे, क्योंकि ये सब चिंताएं अन्य जातियां करती है और तेरा स्वर्गीय पिता को पता है इन सारे चीजों की आवश्यकता तुझे है। हालेलुया। जब ये वचन ऐसे आता है ना, मुझे मन करता है कि अपने आंखों को बंद करके बोलने के लिए, लॉर्ड थैंक यू कि आपको मेरी आवश्यकताओं के बारे में खबर है। हालेलुया। मेरे अंदर क्या क्या चीजों को लेना है, मेरे घर के लिए, मेरे बच्चों के लिए, मेरे परिवार के लिए, मेरे अपने लिए, मेरे कलीसिया के लिए, भले आप लोग जाने या ना जाने, मेरा स्वर्गीय पिता को पता है कि मेरे बेटे को उसकी जिंदगी में क्या चाहिए। हालेलुया। अब प्रभु कहता है वो सारी चीजों को मैं दूंगा क्योंकि मुझे उसके बारे में पता है। लेकिन फिर भी
मनुष्य के जीवन में या मसीहों के जीवन में वो आशीषों से भी वंचित क्यों हो जाता है, फिर भी उसके जीवन में वो चीज क्यों नहीं मिलता? क्यों मालूम है? क्योंकि हम वहां ढूंढते हैं जहां कुछ नहीं है, और हम वहां नहीं ढूंढते हैं जहां है। मेरे बातों को समझिएगा। मान लीजिए आप दिल्ली गए थे और दिल्ली के स्टेशन में आपने अपना बैग निकाला था, और आपके बैग निकलने के साथ सोने का एक कंगन आपके दिल्ली स्टेशन में गिर गया, और आप दिल्ली से वापस आ गए, और वापस आकर आप बोल रहे हैं कि मेरा कंगन दिल्ली स्टेशन में खो गया। इसलिए आप क्या किए मालूम है? रात के समय टॉर्च लेकर खड़गपुर के स्टेशन में जाके खोज रहे हैं, खड़गपुर के गाड़ियों के नीचे आप टॉर्च मार रहे हैं, यहाँ मार रहे हैं, वहाँ मार रहे हैं, और आप बहुत परेशान हो गए कि मुझे मेरा कंगन मिल ही नहीं रहा है। फिर एक लोग अगर आपसे कहता कि हेलो सिस्टर जी, क्या हुआ? मेरा कंगन खो गया, मुझे मिल नहीं रहा है। वो भाई साहब ने आपसे पूछा कि आपका कंगन कहाँ खोया? इस प्लेटफॉर्म में। आप बोले नहीं, ये प्लेटफॉर्म में नहीं, वो तो दिल्ली में खोया था। तू आपसे हंसते हुए कहेगा या मुस्कुराते हुए कहेगा या बड़े गुस्से से कहेगा मुझे नहीं पता। वो कहेगा कि जहां आपका कंगन खोया है आप वहीं पर क्या करो, जाकर ढूंढो। आज ईसाई ऐसे हो गए, मसीह लोग ऐसे हो गए, हम वहां ढूंढ रहे हैं जहां पर हमारा चीज खोया नहीं था, लेकिन हम वहां नहीं ढूंढ रहे हैं जहां हमने खोया था। मालूम है परमेश्वर कहता है इन सारे चीजों को मैं तेरे लिए उपलब्ध रखा हूं, इसके बारे में तू चिंता मत कर। तुझे केवल एक बातों के विषय में निर्णय लेना है, अगर तू तैयार है तो ये सारी चीजें तेरे साथ जुड़ जाएगी। हालेलुया। अगर तू मेरे बातों को मानेगा, अगर तू मेरे बातों में चलेगा तो इन सारी चीजें, कौन सी चीजें? कपड़ा लत्ता, घर बार, जॉब, बिजनेस, बहुत अनुग्रह, आशीष, ये सब चीज तेरी जिंदगी में क्या हो जाएगी? जुड़ जाएगी। तब प्रभु ने एक बात कहा। अब मैं मेरे मेन टॉपिक में आना चाहता हूं। आप फिर से पढ़ दीजिएगा उसका 6 अध्याय उसका 33 वचन। अब ध्यान से पढ़िए, इसीलिए, सुनिए ध्यान से, सब मेरे पीछे बोलिए, इसीलिए पहले तुम, फिर बोलिए मेरे साथ, पहले तुम, एक दूसरे को भी बोल सकते, सुनो, पहले तुम क्या करो? क्या लिखा है यहां पर? दो बातें लिखा हुआ है। इसलिए पहले तुम परमेश्वर के राज्य और उसकी धर्म की खोज करो। आगे क्या लिखा है? ये सब वस्तुएं, कौन सी वस्तुएं? खाना पीना, कपड़ा, मैं उसके साथ जोड़ू मकान, अच्छा जॉब, अच्छा पति, अच्छा पत्नी, अच्छे बच्चे, अच्छे घर, अच्छा बिजनेस, अच्छा मुनाफा, अच्छी जिंदगी, अच्छा खुशी, अच्छा शांति, सब तेरे जिंदगी के साथ मैं जोड़ दूंगा। हालेलुया। लेकिन इसके लिए तुझे केवल दो चीजों की करने की आवश्यकता है, और दो चीजें प्रभु ये बता रहा है। क्या है मालूम है? दो बातें, मेरे राज्य की खोज करो, नंबर टू मेरी धार्मिकता की खोज करो। आप बोलोगे हम वही तो करते हैं, संडे तो आते हैं पास्टर जी, मंगलवार भी आ जाते हैं, उपवास में भी आते हैं, एकदम टाइम टू टाइम दसवास देते हैं, और दान में देखिएगा कड़क 100 रुपया का नोट हम डालते हैं। इतने सारे चीजों को करने के बाद भी हमारे जिंदगी में ये सब चीजें परमेश्वर ने क्यों नहीं जोड़ा? क्यों ये सब चीजें मेरी जिंदगी के साथ परमेश्वर ने नहीं जोड़ा? मैं इसके गहराई को आज आपको बताऊं, और ये वचन आज आपको सिखाएगा। हालेलुया। प्रभु का वचन कहता है इसलिए पहले तुम मेरे राज्य का क्या करो? खोज करो। और दूसरा कह रहा है मेरे धार्मिकता का खोज करो। ये दो चीज जब तुम खोज लोगे, देखना ये सब चीजें तेरी जिंदगी के साथ साथ क्या हो जाएगा? जुड़ जाएगा। हालेलुया। तेरे पास मकान नहीं था, लेकिन तू मेरे राज्य, मेरे धर्म का खोज करने में लगा हुआ था, और तुझे पता ही नहीं चला कब तूने जमीन ले लिया और कब तूने घर बना दिया। तू मेरे राज्य और मेरे धर्म का खोज कर रहा था, तुझे पता ही नहीं चला कि तेरे बच्चे कब अच्छे नंबरों के द्वारा मैट्रिक पास कर गया। तू मेरे राज्य, मेरे धार्मिकता के खोज में पड़ा हुआ था, तुझे पता भी नहीं चला कब तेरे बिजनेस को मैं इस जगह से इस जगह तक पहुंचा दिया। इसलिए प्रभु कहता है मेरे राज्य और मेरे धार्मिकता की क्या करो? खोज करो। हालेलुया। अब मैं आता हूं, आपको ध्यान से सुनिएगा, जब हम बात करते हैं ना द किंगडम ऑफ गॉड, परमेश्वर का राज्य, तो परमेश्वर का राज्य खोजने का मतलब ये नहीं है कि जो ढूंढो, खोजने का मतलब ये कि उसे पालो, उसमें चलो, उस राज्य के अंदर अपने आप को क्या करो?
प्रवेश करवाओ, उस राज्य में चलो, क्योंकि इस दुनिया में ना दो राज्य है, एक तो शैतान का है, एक परमेश्वर का है। लेकिन मैं शैतान का राज और परमेश्वर का राज नहीं बोल रहा हूं, मैं बोलना चाहता हूं एक मनुष्य का राज और दूसरा परमेश्वर का राज। पता है आपके राज्य में ना चिंताएं रहती है, लेकिन जब आप परमेश्वर के राज्य में घुसोगे वहां खुशी मिलेगा। आपके राज्य में बीमारियां भरी रहती है, लेकिन जब आप जब परमेश्वर के राज्य में आएंगे चंगाई आपके जीवन में काम करेगा। आपके राज परमेश्वर आपके राज्य में कंगाली भरा हुआ रहता है, लेकिन जब आप परमेश्वर के राज्य में आएंगे आशीषों से परमेश्वर भरता है। और आपके राज और परमेश्वर के राज में फर्क है, क्यों? क्योंकि आपका राज आप अपने हिसाब से चलाते हो और परमेश्वर का राज परमेश्वर अपने हिसाब से क्या करता है, चलाता है। और जिस किसी को भी चाहिए ये सब आशीष से मेरे जीवन के पीछे जुड़ जाए, तो प्रभु कहता है मेरे राज में प्रवेश कर ले, मेरे राज के अंदर घुस जा, मेरे राज को अपना ले और देख तेरे जिंदगी में प्रभु काम करेगा। अब उसके राज के बारे थोड़ा बातों को हम पढ़े तो आपको मैं समझाना चाहूंगा। हालेलुया, सब मिलके लिखा लिएगा, मरकुस रचित सुसमाचार उसका 1 अध्याय और उसका 14 और उसका 15 वचन। हाँ, यूहन्ना के पकड़वाए जाने के बाद यीशु ने गलील में आकर कौन प्रचार कर रहा है, बोलिए ना, कौन प्रचार कर रहा है? यीशु मसीह प्रचार कर रहा है। कौन सा प्रचार कर रहा है? परमेश्वर का राज्य। आप अगर नया नियम उठाओगे, यीशु मसीह के प्रचार का केंद्र बिंदु हर समय प्रभु एक ही विषय में प्रचार करता था, और वो प्रचार था परमेश्वर का राज्य। यहां भी यीशु परमेश्वर के राज्य के बारे में प्रचार कर रहा है। और आगे और कहा, समय पूरा हुआ है, परमेश्वर का राज्य निकट आ गया है। सब ऊंचे आवाज के साथ बोलिए, मन फिराओ। और आगे क्या लिखा है? और सुसमाचार पर विश्वास करो। अब जब मैं आपसे बातें कर रहा हूं ध्यान सुनेगा, जब मैं बोल रहा हूं ना परमेश्वर के राज की खोज करो, तो कोई कोई सोच रहा होगा, अरे हम तो राज की खोज तो कर चुके हैं, वही तो मैंने लिया था 2015 में बपतिस्मा, हो गया, प्रभु भोज भी खाता हूं हर पहला रविवार को, और तो मेरा जिंदगी तो ठीक है, किसी को गाली तो देता नहीं, किसी को गाली नहीं देते, लेकिन किसी से गाली सुन नहीं पाते। कुछ लोग हैं किसी को गाली देते नहीं है लेकिन किसी से गाली सुन भी नहीं पाते। मेरे बातों को ध्यान सुनिएगा, परमेश्वर की राज्य की खोज करने का मतलब यह है, यीशु कह रहा है, जब यीशु सुसमाचार सुनाना शुरू किया, यीशु ने एक प्रचार किया कि मन फिराओ, क्योंकि स्वर्ग का राज या भी परमेश्वर का राज निकट आ गया है। आपको मालूम है जिस परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करने के लिए, एंटर होने के लिए, अंदर घुसने के लिए जो सबसे बड़ी और सबसे इंपॉर्टेंट बात है वो ये है कि मेरे राज्य में जो भी चाहे आ सकता है, लेकिन मेरे राज्य में आने वाले लोगों में चीज दिखाई देना चाहिए, वो है मन फिराओ। बाइबल में यूहन्ना रचित, यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला भी जब पहली बार प्रचार कर रहा था सबों के लिए, और उसने बोला कि मन फिराओ क्योंकि स्वर्ग का राज निकट आ गया। यीशु ने प्रचार किया, मन फिराओ क्योंकि स्वर्ग का राज निकट आ गया है। उसके चेले लोगों ने भी प्रचार किया, मन फिराओ क्योंकि परमेश्वर का राज निकट है। ध्यान से सुनिएगा, मन फिराओ, स्वर्ग का राज और परमेश्वर का राज एक है। अब मेरे बातों को ध्यान से सुनिएगा, जब परमेश्वर कह रहा है, जब परमेश्वर इस बात को हमारे बीच में कह रहा है कि मन फिराओ क्योंकि स्वर्ग का राज निकट आ गया है, तो इस जगह के हिसाब से हम एक बात देख सकते हैं। हिसाब से मैं और 10 या 15 मिनट में आपके बीच में बात करूंगा, उस समय तक थोड़ा सा आप सुन लीजिए। परमेश्वर का वचन कहता है मन फिराओ क्योंकि स्वर्ग का राज क्या है, निकट है। आप ध्यान से सुनिएगा, बहुत कोई अपने जिंदगी में बहुत आशीषों को पाना चाहता है, अपने जिंदगी में बहुत सारी चीजों को लेना चाहता है, लेकिन मन फिराना नहीं चाहता। वो चाहते हैं मैं जैसा हूं मैं वैसा ही रहूं और मैं अपना मन को नहीं फिराऊंगा। और वो प्रभु के राज में जब घुसने के लिए कोशिश करता है, घुस तो जाता है और परमेश्वर वहां काम नहीं कर पाता है, और परमेश्वर आपकी जिंदगी के पीछे उन सारे चीजों को जोड़ नहीं पाता है जिसके बारे में प्रभु ने कहा कि मैं तेरी जिंदगी के पीछे उन सारी चीजों को क्या कर दूंगा, जोड़ दूंगा। ध्यान से सुनिएगा,
परमेश्वर से उन सारे चीजों को पाने के लिए दो चीजें आपके अंदर होना बहुत जरूरी है। एक है कि उसके राज्य की खोज करो और दूसरा क्या है, उसके धार्मिकता की खोज करो। मैं ज्यादा और बोलना नहीं चाहता हूं क्योंकि जो डिस्टर्बेंस है, मैं दो बातें बताकर मैं खत्म कर देना चाहता हूं और सब ध्यान से सुनेगा जो विशेष बात मैं बताना चाहता हूं। यीशु कहता है कि मेरे राज्य की क्या करो, खोज करो। जब आप परमेश्वर की राज्य में प्रवेश करते हैं तब उस दिन से आपका अपने ऊपर का राज क्या हो जाता है, समाप्त होता है। उस दिन से आपके ऊपर उसका राज्य हो चलता है क्योंकि आप उसके राज्य के ऊपर क्या कर रहे हो, चल रहे हो। अब ध्यान से सुनिएगा, मैं एक बात बताऊं आपको, जब मैं दुबई गया, यहां पर यहां के लोग क्या करते हैं, कहीं भी कुछ खाते हैं थूक देते हैं, कहीं भी कुछ करते हैं फेंक देते हैं, रास्तों में गंदा करता हुआ रहता है और कुछ भी खाया, मान लीजिए कुछ भी अच्छी चीजों को खाए, चॉकलेट खाए तो चॉकलेट का पर्ची क्या कर देता है, फेंक देता है, पता है। लेकिन जब मैं दुबई एंटर किया, इवन दुबई एंटर करने से पहले मुझे बोला गया कि वहां क्या चलता है और क्या नहीं चलता है, जैसे मैं दुबई में एंटर किया मुझे दुबई के अनुशासन के अनुसार अनुशासित होना पड़ेगा, अदरवाइज मुझे वहां का गवर्नमेंट पकड़ कर क्या कर देगा, जेल में डालेगा। क्यों? अब मैं दुबई में जा रहा था और जब मेट्रो में मैं जा रहा था, मेट्रो के बगल में बुर्ज खलीफा देख रहा था, मेट्रो के बगल में बहुत सारा अच्छा अच्छा फोटोस, बहुत सारा अच्छा अच्छा सीनरीज में देख रहा था, मन कर रहा था कि अपना फोन निकालूं और फोन निकाल कर क्या करूं, रिकॉर्ड करूं, जैसे हम लोग अपने यहाँ के ट्रेन में करते हैं, मेट्रो में करते हैं। लेकिन अगर वहां पे मैं ऐसा करूं तो 1000 दिरहम का फाइन लगेगा, करीबन 70,000 रुपये का फाइन लगेगा। तो मन तो कर रहा था कि मैं करूं रिकॉर्डिंग, लेकिन मैं उस रिकॉर्डिंग नहीं कर पा रहा। आपको मालूम है वहाँ के जो जहाँ पे मेट्रो चलता, पानी पीने के लिए बहुत मन कर रहा है, हमारे पास बोतल भी है लेकिन हम अपना बोतल बैग के अंदर से निकाल नहीं पा रहे। अगर मैं बोतल बैग के अंदर से निकालूं तो करीबन 3,500-4,000 का फाइन आ जाएगा। तो इसलिए हम लोग उसके अनुसार चल रहे थे, उसके अनुसार घूम रहे थे, जगह जगह में जो भी खा रहे फेंक नहीं रहे थे, जगह जगह में अपने आप को संभाल कर चल रहे। देखी हूं क्योंकि मैं अपने देश में नहीं, किसी और देश में हूं। मेरे बातों को समझेगा, जिस दिन आपने यीशु को उद्धारकर्ता के रूप में विश्वास किया, अब उसके राज में एंट्री हो गए हैं, फिर उस दिन से आपके ऊपर का राज, आपका राज समाप्त, परमेश्वर का राज आरंभ होता है। फिर प्रभु का नियम आप पे लागू होगा, फिर प्रभु का अनुमति आप पे लागू होगा, फिर प्रभु की इच्छा आप पे लागू होगा, फिर प्रभु की मर्जी आप पे लागू होगा। और उस मर्जी को अगर अपने जीवन पे हम ले लिए तो आप परमेश्वर के राज के आप वारिस हैं। दूसरा प्रभु कहता है कि मेरे धार्मिकता की खोज करो। धार्मिकता मतलब समझते हैं, प्रभु ये नहीं कहता कि आप अपने धार्मिकता की खोज करो, प्रभु कह रहा है मेरे धार्मिकता की खोज करो। मेरे धार्मिकता का मतलब क्या है, जैसा प्रभु चाहता है या जैसा प्रभु करता है, जैसा प्रभु की इच्छा है, जैसा प्रभु दूसरों के साथ व्यवहार करता है, वैसा ही हम भी प्रभु जैसा व्यवहार करें। यहाँ थोड़ा मैं बताना चाहता हूँ, नहीं तो प्रचार इनकम्प्लीट हो जाएगा, ऐसी प्रचार इनकम्प्लीट हो गया है। लेकिन अगर ये नहीं बताऊँ तो आप लोग बहुत आधा अधूरा रह जाएंगे। हम में से कितने यहाँ पे है जो परमेश्वर की धार्मिकता के अनुसार जीवन बिताते हैं? प्रभु कहता है बेटा तेरे धार्मिकता के अनुसार नहीं, मेरे धार्मिकता का खोज कर। क्योंकि जब आप परमेश्वर की धार्मिकता की खोज करोगे, परमेश्वर आशीषित करेगा। और मैं आपको बता दूं क्यों आपके जीवन में आशीष नहीं जुड़ रही है, आंसर आपको मिल जाएगा। आप में से कितने हैं, मान लीजिए मैं दिनेश के पास गया और दिनेश से कहा कि दिनेश मुझे ना 500 रुपयों की आवश्यकता है, मुझे दे दो और मैं तुम्हें 5 तारीख शाम को 5 बजे क्या करूंगा, दे दूंगा। अब ध्यान से सुनिए, दिनेश मुझे दे देता है और ठीक 5 तारीख आता है और 5 तारीख के दिन मैं दिनेश को कॉल करता हूँ और दिनेश को बोलता हूँ दिनेश माफ करना आज नहीं हुआ और मैं काम करूंगा 10 तारीख को तुम्हें दूंगा। फिर जैसा 10 तारीख को होता है, दिनेश देख रहा है कि मैं कॉल नहीं कर रहा हूँ तो दिनेश मुझे कॉल कर रहा है। अब मैं क्या कर रहा हूँ, एक कॉल काट रहा हूँ, 2 कॉल काट रहा हूँ, घर में बैठा हुआ हूँ लेकिन मैं दिनेश को मैसेज कर रहा हूँ, आई एम बिजी, मैं बहुत बिजी हूँ, मैं फ्री होकर कॉल करूँगा। और रात 12 बजे मैं दिनेश को कॉल कर रहा हूँ, दिनेश माफ़ कीजिएगा मेरे पास इस बार भी नहीं हुआ, एक काम करते हैं मैं तुमको 15 तारीख को दे दूंगा। उसके बाद दिनेश समझ गया कि इंसान 5 को भी नहीं दिया, इंसान
दस को भी नहीं दिया तो दिनेश क्या किया, 12 तारीख से कॉल करना शुरू हो गया कि सुनिए मेरा जो पैसा आपने लिया है वो पैसा आप दीजिए। तुम्हें उनसे कहा एक काम करो, 15 तारीख सुबह 10 बजे मेरे घर आ जाओ, मैं पक्का आपका पैसा रखूंगा, मैं रहूं या ना रहूं, कहीं बाहर भी जाऊं आपका पैसा दे दूंगा। बड़े ध्यान से सुनिएगा। तो दिनेश मेरे घर आ जाता है 10 बजे और ठीक 10 बजे मैं खटिया के नीचे घुस जाता हूं। मेरी बेटी से कहता हूं जाके बोलना दिनेश को कि पापा नहीं है। मेरा बेटी आके बोलता पापा नहीं है, पापा खटिया के नीचे भी नहीं है। फिर दिनेश चला जाता है वहां से। और इसी तरह मैं दिनेश को बारंबार 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 उस पैसों के लिए क्या करते रहता हूं, घुमाता रहता हूं। ऐसा एटीट्यूड आप में से किसी के अंदर है क्या? लोगों को रुलाते हैं क्या पैसा देने समय? पैसा लेने समय तो ले लेते हैं, लेकिन क्या लोगों को पैसा देने समय रुलाते हैं? आप में से ऐसा किसी के अंदर स्वभाव है? आज नहीं, कल नहीं, परसों नहीं, एक महीना, दो महीना, छह महीना, सात महीना, अब उसको घुमा रहे हैं। सुन लो, ये वचन आपके लिए है। परमेश्वर ऐसे लोगों के पीछे जिंदगी में उन आशीषों को नहीं जोड़ेगा। इसलिए मैं कह रहा था, परमेश्वर का वचन कह रहा है कि मेरे धार्मिकता की खोज करो। और परमेश्वर की धार्मिकता मतलब भैया कल शाम आना, मैं दे दूंगा। तो कल शाम मीन्स कल शाम, जैसा परमेश्वर बोलता है वैसा हम भी बोले। लेकिन हम तो ठगने पे ज्यादा विश्वास करते हैं। हम तो इस चीज का विश्वास करते हैं कि जिससे 2 लाख रुपया मर जाए तो मेरा 2 लाख रुपया क्या हो जाएगा, बच जाएगा। अब ध्यान से सुनिएगा, हम में से कभी कभी कुछ लोग उतावली हो जाते हैं, बहुत उतावली हो जाते हैं। और हमारे बीच में ऐसे एक परिवार था और ऐसे गवाही दिया कि परमेश्वर ने मेरे कमर में एक प्रॉब्लम है, अगर परमेश्वर मुझे चंगाई दे तो 40,000 रुपये में ऑपरेशन में नहीं लगाऊंगा, मैं कलीसिया में ला के दूंगा। मालूम है परमेश्वर ने उसके कमर की बीमारियों को ठीक किया, लेकिन 40,000 मेरे हाथ पे तो नहीं आया। ऐसे लोगों को परमेश्वर उसके पीछे में आशीषों को नहीं देगा। कुछ लोग मेरे पास आए थे, मेसी कलीसिया के बारे बात कर रहा हूं, पास्टर जी मेरे लिए प्रार्थना करो, एक अच्छा जॉब मुझे मिल जाए। तब उसका विश्वास जिंदगी अच्छा था, प्रभु में चल रहा था, दौड़ रहा था। मैंने बोला जरूर प्रार्थना करेंगे। अचानक उससे मुंह से एक बात आ गया, पास्टर जी जिस दिन मुझे जॉब मिलेगा ना उस पहला महीना का सैलरी मैं कलीसिया में लाकर आपके हाथ में दूंगा, फिर आप कलीसिया के लिए इस्तेमाल करना। मैंने उसके लिए प्रार्थना की, हे प्रभु इस भाई को एक जॉब दे देना, इसको अनुग्रह करना। मालूम है कुछ ही दिन के अंदर, 10-15 दिन के अंदर वो मुझे फिर कॉल किया, प्रभु का धन्यवाद हो पास्टर जी मुझे एक जॉब मिल गया। आज जब जॉब मिला, एक महीना, दो महीना, तीन महीना, चार महीना, पांच महीना हो गया, वो कलीसिया के लिए जो देगा बोला वो नहीं दे पाया, वो दिया नहीं। और मैंने भी उससे पूछा नहीं, क्योंकि मुझे किसी से पूछने का क्या अधिकार है। लेकिन मेरे मन में परमेश्वर एक बात बोल रहा था कि देख वो क्या कर रहा है। मालूम है उसका जिंदगी आज के दिन में बर्बादी के कगार पे चला गया, क्योंकि परमेश्वर कहता है कि मेरी धार्मिकता की खोज करो। अगर तुम बोले हो दोगे तो क्या करना, दो। कुछ लोग थोड़े मसीह लोग जोश में आ जाते हैं, मेरा जॉब मिलेगा पहला पेमेंट मैं दूंगा। अगर आप पहला पेमेंट नहीं दिए ना आपका सारा पेमेंट बिगड़ जाएगा, याद रखना। अगर देने का नहीं है अपने परमेश्वर से वायदा मत करना। अगर देना चाहते हो तो अपने परमेश्वर से वायदा करो और अपने परमेश्वर से करो। कुछ कुछ लोग बोलते हैं पास्टर जी मेरे जमीन के लिए प्रार्थना कीजिए, मेरा जमीन अगर बिक जाएगा तो उसमें से कुछ पैसा मैं कलीसिया के लिए क्या करूंगा, ला के दूंगा। जमीन भी बिकता है, लेकिन जब कलीसिया के लिए लाने की बारी होती है तब उसका मन कच्चा हो जाता है, वो नहीं लाता है। ऐसे लोगों के जिंदगी में कमी और घटी आ जाएगा, ऐसे लोगों के जिंदगी में प्रॉब्लम्स ज्यादा दिखाई देगा। क्यों मालूम है कि वो परमेश्वर के राज्य के अंदर परमेश्वर से दगाबाजी कर रहा है और परमेश्वर के धार्मिकता को अपनी जिंदगी में नहीं ला रहा है। मैं बोलना ये चाहता हूं सिंपल सी बातें, जैसा खुदा हमसे वायदा करता और देता है वैसा आप भी दूसरों से वायदा करो और क्या करो, दो। अगर आप एक महीना नहीं दे पाए तो आपके अंदर वो चोरी का आत्मा नहीं होना चाहिए, चीटिंग का आत्मा नहीं होना चाहिए, धोखेबाजी का आत्मा नहीं होना चाहिए। इंसान के जीवन में होगा कि एक महीना नहीं दिए तो आप अगले महीना देगा, तो बड़े जेन्युइनली के साथ उसको कॉल करो कि भाई इस बार नहीं हुआ, अगले बार मैं तो आपको पक्का दे दूंगा। लेकिन किसी इंसान को बारंबार दौड़ाओ मत, आपका जिंदगी श्रापों से भर जाएगा। अगर ऐसा हमारे कलीसिया में कोई है तो इसी कारण से आपकी जिंदगी में आर्थिक समस्या है। अगर ऐसा हमारे कलीसिया में कोई है इसी कारण आपके जिंदगी में खाने पीने कपड़ों का और बहुत सारे चीजों का लत पड़ गया है, क्योंकि परमेश्वर आपके जिंदगी के पीछे जोड़ नहीं रहा है। परमेश्वर तब ना जोड़ेगा जब आप परमेश्वर की धार्मिकता के अनुसार क्या करोगे, चलोगे। हालेलुया। तो एक बात याद रखिए,
प्रभु के राज्य को ढूंढो, मतलब मन फिराव के साथ घुसो। और भी बहुत सारी बातें था, लेकिन एक बात समझो, मन फिराव उसके राज में घुसने के लिए बहुत ज़रूरी है। दूसरा, उसके राज्य को ढूंढो, बोलने का मतलब क्या है कि उसके धार्मिकता को ढूंढो। इसका मतलब ये है कि यीशु का एटीट्यूड, यीशु का धार्मिकता हमारे अंदर भी होना बहुत क्या है, ज़रूरी है। हालेलुया। आजकल अन्य जातियाँ पैसों के लिए उल्टा पुल्टा करता है, चलेगा, लेकिन परमेश्वर के लोग भी पैसा के लिए अगर उल्टा पुल्टा करे तो चलेगा? मैं आज कई लोगों को ऐसे लोगों के बारे में एक बात कहा जाता है कि भैया इसका हाथ बहुत भारी है। हमने सुना था पेट भारी होता है, लेकिन पहली बार सुनता हूँ इसका हाथ बहुत भारी है। मतलब उसके जेब से उसका पैसा क्या नहीं होता है, निकलता नहीं है। ऐसे लोग हैं ना, कभी भी परमेश्वर उसके ज़िंदगी में आशीषों को नहीं देगा। बाइबल में लिखा गया है किसी का कर्जदार मत होना। अगर किसी से लिया है तो उसको क्या करना, लौटाना, उसके सामने फेस करना, भागना नहीं, छिपना नहीं, फोन स्विच ऑफ मत करना। अगर आप ऐसा करते हो, याद रखो प्रभु कभी भी आपको आशीषित नहीं करेगा। आप रो रो के थक जाओगे, उपवास करके थक जाओगे, प्रार्थना आते आते थक जाओगे, लेकिन परमेश्वर आपके जीवन में कभी भी रास्ताओं को नहीं खोलेगा। इसलिए एक चीज आज सीख के जाइए कि परमेश्वर के धार्मिकता का मतलब क्या है, कि प्रभु के जैसा ईमानदार बनो। किसके समान ईमानदार? प्रभु के समान ईमानदार, एकदम सटीक बनो। एक बार किसी ने मुझे बोला कि पास्टर जी मुझे एक टिकट बुक कर दीजिए। मैंने टिकट बुक करने, मैंने बोला एक काम करो, कितना देना है? तो उसने राउंड फिगर 200 रुपया भेजा। मैंने टिकट बुक किया तो 197 लगा, 3 रुपया बचा। तो जैसा 197 लगा, मैं 3 रुपया उसको क्या कर दिया, वापस किया, रिटर्न उसने मैसेज किया। इसका क्या जरूरत था, इसको आपने क्यों किया? ये 3 रुपया ना तो आपके लिए कुछ कर पाएगा, ना तो मेरे लिए कर पाएगा कुछ, किसी के लिए कुछ नहीं कर पाएगा। लेकिन 3 रुपया मुझे आपको देने का मेरा मतलब ये है कि मैं मेरे खुदा जैसा बनना चाहता हूँ। ईमानदारी, हर बात में ईमानदार, हर जगह पर ईमानदार। जब आप ईमानदार बनोगे, परमेश्वर काम करेगा। हालेलुया।